गाइस क्या कर रहे हो भाई? ट्रैफिक में से कैसे हम निकल रहे हैं? ओ भाई साहब, गाइस का तो जहर। ओ भाई, मेरे को लग रहा है भाई यहाँ पे कुछ सीन तो हुआ है तकड़ा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्रोडक्शन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप सो सब ठीक है और होने भी चाहिए। तो गाइस चेक कर सकते हो भाई, आज का हमारा भाई फॉर्म में है पूरे। हम राइडिंग जैकेट्स वगैरह डाली हुई है, राइडिंग गियर सारे आज डाल के हम भाई एक अच्छे से राइड पे जाने लगे। और भाई यहाँ पे हमारी KTM की चाबी। तो भाई मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे और सारी बातें करते हैं बाइक पे जाके। तो गाइस और हम फाइनली निकल चुके हैं और भाई हमारी आप अकलोनी का हाल देख ही सकते हो भाई कैसा हुआ पड़ा है। तो गाइस और अभी आप देख सकते हो भाई कितने भाई मैंने आज पूरा राइडिंग गियर्स में निकला हूँ, लाइक जैकेट ग्लव्स। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना मेरे को। और गाइस यार आज ना मतलब मेरे को थोड़ा सा काम भी था यार दुगरी पिंड वाली साइड, तो मैंने कहा चलो यार आज का व्लॉग भी बन जाएगा और काम का काम भी हो जाएगा। तो गाइस यार मैंने आपसे ना एक थोड़ी बहुत बातें भी शेयर करनी थी अभी। तो गाइस बात ऐसी है कि जो मैंने आपको लद्दाख के ट्रिप का कहा था, तो भाई वो तो अभी हो नहीं पा रहा है जो लद्दाख का ट्रिप था। लेकिन गाइस लद्दाख की जगह हम जा रहे हैं कहीं और, वो भाई आपके लिए अभी सरप्राइज़ है, वो आपको बाद में बताएंगे जिस दिन हम जाएंगे। तो भाई आप वो वेट करो, लेकिन आपको इतना बताया तो भाई पहाड़ों वाली जगह है सारी यहाँ पर हम जाने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर लगा हुआ है फाटक। तो गाइस यार इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, जो फाटक लगा हुआ है मतलब फाटक के नीचे से नहीं लेके जाएंगे यार। भाई क्या करना चाह रहा है, कम से कम यार गाइस इंडिकेटर तो दे दे ये बंदा। देख रहे हो यार भाई कोई इंडिकेटर दे के नहीं मोड़ रहा, कोई कुछ नहीं, बस सीधा भाई मोड़ रहा है। और गाइस जो लोग कहते हैं ना कि भाई हाँ हमारे ड्राइविंग देख के भाई ये बहुत जल्दी मरेगा, किसी ने ठुकेगा ये वो, गाइस जिसके पास स्किल्स नहीं होती ना भाई वो ऐसी बातें कर सकता है। भाई मैं अपना ये भी नहीं कहता कि मेरे पास बहुत स्किल्स हैं, ठीक है भाई जितनी भी है हमारी, कि मैं गिरूंगा नहीं इतना मेरे को पता है। भाई कई बार होता है कि भाई हाँ दूसरों की गलती से अपना नुकसान हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन भाई अपनी गलती से कभी दूसरों को नहीं होता। तो गाइस यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई नेशनल हाईवे पे। तो गाइस अब जाएंगे पहले तो भाई दुगरी का काम है। तो गाइस यार अब इसमें बताओ भाई मेरी क्या गलती है, अगर भाई ऐसी रोड हो और भाई बाइक 120 पे मत जाए भाई, इस रोज ला के ऐसी बंदी मतलब ऐसी बाइक को मतलब बंदी बोलते हैं यार गाइस सॉरी, लेकिन भाई ऐसी बाइक को कोई अगर स्लो चलाएगा तो आप सोच ही सकते हो भाई क्या ही होगा। और गाइस ये देखा भाई आपने, इधर मिथुन भाई ने भी जो ब्लू रेसिंग राइडर हैं भाई उन्होंने भी एग्जॉस्ट डलवाया हुआ अपनी बाइक में R15 में, तो वो भी जा रही है हमारे साथ। और वीर भाई का भाई अभी कच्चा पक्का सा है क्योंकि उनका थोड़ा सा प्लान बन नहीं रहा यार, बाकी अगर बन गया तो भाई वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको पता है फिर भाई अगर सारे राइडर्स इकट्ठे होना तो कितना मज़ा आता है। ड्राइविंग चेक कर रहे हो भाई, आज ना मैं फर्स्ट टाइम हो रहा है भाई कोई रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ हाईवे पे, ठीक है। और भाई अब ऐसे ही करते रहना है मेरे को, ठीक है। आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग हो चुकी है अब तो, और भाई अब ये ड्राइविंग सुधारनी है कि घर वालों से भी गालियाँ भाई पूरी रज रज के डल रही है मेरे को भाई, हाँ तू रैश ड्राइविंग करता है तेरे को यहाँ नहीं जाने देना वहाँ नहीं जाने देना। तो भाई इससे अच्छा है कि भाई हाँ हम रैश ड्राइविंग करेंगे ही नहीं। तो भाई प्रथम का फ़ोन आ रहा है भाई, घड़ी का ना यही फ़ायदा होता है कि भाई यहाँ फ़ोन का पता लग जाता है। तो गाइस यार हम पहुँच चुके हैं भाई दुगरी पिंड और ये चेक कर सकते हो भाई खेत ही खेत। और भाई पिंडों की सड़कों को तो आप सभी को पता ही है कि ऐसी होती हैं भाई, वो बताने की लोड ही नहीं है मेरे को। और भाई ये देख रहे भाई चेक कर रहे हो भाई, ये होता भाई नेचर असली। और वहाँ पे जाके जहाँ पे हम जा रहे हैं ना भाई ट्रिप निकालने, भाई वहाँ पे जाके ना असली नेचर का मज़ा आएगा भाई, नेचर फुल नेचर ट्रेल होगा वहाँ पे जाके, तो मतलब कह लो इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला ना वहाँ पे गाइस कि
और गाइस मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ भैया, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में शायद देखा ही होगा जो हम एक्सीडेंट हुआ था एक जो लेडी ड्राइवर चला रही थी। तो भाई कभी भी ना ट्रक के लेफ्ट साइड से मत ओवरटेक करना यार, क्योंकि भाई ट्रक वालों को जो होता है भाई, जैसे हमारा भी काम ट्रांसपोर्ट का ही है थोड़ा बहुत, तो मेरे को पता है यार कि भाई हाँ जो ट्रक है ना जो साइड वाला मिरर होता है भाई वो ऊपर को ही सिर्फ दिखाता है और वो पिछली वाली रोड दिखाता है, कभी भाई नीचे वाली बम्पर साइड नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। तो उसके कारण भाई उनको ट्रक वालों को कुछ नहीं पता लगता कि भाई बम्पर साइड पर क्या है क्या नहीं है। तो भाई अगर आप पिस जाओ तो भाई उनको उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, अगर राइट साइड से जाओ और वो तब भी भाई जब उनकी गलती है। तो गाइस पहुंच तो चुके हैं हम, भाई मेरे को इतना पता कि ये वाली सड़क जाती है जो सीधा सीधा जा रही है। One eternity later. तो गाइस हमारा फाइनली सारा काम हो चुका है खत्म, और गाइस अभी ये देख लो भाई इतने सारे ट्रैफिक में जाके मैं फंसा पड़ा हूँ, तो भाई इधर भी कोई निकलने के लिए मतलब जगह ही नहीं है यार, थोड़ी थोड़ी है भाई साइड से, वहाँ से निकालते हैं। तो भाई ये चेक कर रहे हो, तो गाइस जब राइडर भाई इकट्ठे हो जाए ना सारे तो देख रहे हो भाई, तो शायद गाइस आगे कोई सीन हो गया यार उसी के कारण इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। भाई ये चेक कर रहे हो भाई, ओ भाई मेरे को लग रहा है भाई यहाँ पे कुछ सीन तो हुआ है तगड़ा, भाई ये हुआ है यार जिसके कारण सारा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो गाइस हम भी देख रहे हैं भाई साइड साइड से ही लेके जाएं, इस मिट्टी देख रहे हो भाई साहब कितनी तगड़ी है भाई, इतनी ज़्यादा धूल है ना गाइस। तो गाइस यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, चेक करो गाइस, ओह भाई भाई देख रहे हो भाई दो स्प्लेंडर पे, एक रॉयल फील्ड हंटर और भाई तीसरी भी शायद वही है। ये चेक कर रहे हो भाई, भाई ये TS कमेंट करके बताओ भाई TS कहाँ का नंबर है, मेरे को नहीं पता भाई TS का। और भाई जो पीछे आ रही है वो आई थिंक महाराष्ट्र की है भाई, MH लिखा हुआ था भाई, चलो महाराष्ट्र का तो पता ही है, बस ये TS कहाँ का है भाई ये कमेंट करके बताना आप ही। गाइस ये चेक कर रहे हो भाई ट्रैफिक में से कैसे हम निकल रहे हैं, ओ भाई साहब गाइस का तो जहर। तो गाइस अरे ये देख रहे हो भाई भाई ट्रैफिक चेक करो गाइस, बुरी हालत हो रही है भाई मेरी, क्योंकि एक तो भाई राइडिंग गियर डाले हुए हैं भाई, बंदा शायद लद्दाख से आ रहे हैं ये लोग, ओ भाई यार ये भाई ले रिफ्लेक्ट करने को आ रहे हैं क्या,
भाई क्रेजी क्रेजी भाई क्रेजी भाई, एक हिमालयन एक हंटर, भाई 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 क्या बचे हैं भाई। ना भाई मामा ए ओ भाई ए ओ भाई, देखा गाइस करें इनको क्या। अच्छा चलो भाई तो गाइस ये चेक करो यार भाई, लेकिन ना जब राइडर इकट्ठे हो जाए ना भाई, एक दिल को ना संतुष्टि सी मिल जाती है कि हाँ भाई राइडर्स जा रहे हैं। चेक कर रहे हो भाई, आ रहे हैं भाई भी। तो भाई पता नहीं यार आज क्यों इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है भाई, आई थिंक सो ये लद्दाख से ही आ रहे हैं क्योंकि शायद भाई मेरे को पक्का नहीं, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि ये मतलब लद्दाख से, बट भाई एक ना जैकेट के पीछे लिखा हुआ था जो भाई था हिमालयन पे, उनके राइडिंग जैकेट पे पीछे लिखा हुआ था हिमालयन, तो भाई मेरे को लगा तो भाई वो लद्दाख से ही आ रहे हैं। तो ये देखो भाई ये हैं वो जो हिमालयन पे हैं, तो मेरे को इनका लग रहा है कि यार ये लद्दाख से आ रहे हैं। देख रहे हैं दोनों को भाई, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। भाई ये होते भाई असली राइडर, जिनके भाई कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज्यादा अच्छी है ना, मतलब यहाँ पे पता नहीं अब क्या सीन हो गया यार भाई, मतलब ना जितने भी सीन हो रहे हैं मेरे को लग रहा है भाई ट्रकों के ही हो रहे हैं आज, क्योंकि यहाँ पे भी भाई ट्रक ही रुका हुआ है, ये जा कर सकते हो भाई आप, यहाँ पे भी ट्रक ही खराब हुआ पड़ा है यार। तो गाइस यार सबसे ज्यादा मजा पता कब आता है भाई, जब हाँ भाई आपके साथ एक और राइडर जुड़ जाए ना, और भाई यहाँ पे दो राइडर्स जुड़ गए थे, लेकिन भाई जिस दिन हमारा वो हिमाचल वाला ट्रिप है जो भाई उत्तराखंड का ट्रिप है भाई, उस पे इतने सारे राइडर्स हमसे जुड़ने वाले हैं ना। तो गाइस वो तो चले गए, चलो आगे हम चलते हैं अब। तो गाइस इस हिसाब से हम पहुंच चुके हैं अपने वापस रोपड़, तो चलो गाइस यार ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करना, और भाई ऐसे ही ना सब्सक्राइबर बढ़ाते रहना।